गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आओ बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 बेटा पेज नंबर 4.51। इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय पाइनियर लिमिटेड प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011 एज रिक्वायर्ड बाय शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। Give notes at the foot of the balance sheet as may be found necessary। तो बेटा PL नहीं बनाना है, सिर्फ आपको बैलेंस शीट बनानी है बेटा। इक्विटी कैपिटल, कॉल्स इन एरियर्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, जनरल रिजर्व, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इन्वेंट्री बेटा आपको फिनिश गुड्स की दे रखी है, रॉ मटेरियल की, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांसेस, डिविडेंड पेबल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश बैलेंस, कैश एट बैंक, अनसिक्योर्ड लोन, ट्रेड पेबल्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। बेटा पहला है 2000 इक्विटी शेयर्स वर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बेटा मैं ना इसमें PL तो नहीं बनाना है हमें, तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है बेटा। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर देखना बेटा, मुझे बताओ हमने बैलेंस शीट में बचे कितने शेयर्स इश्यू करे हैं। 10 लाख की कैपिटल है, एक शेयर 100 रुपये का, तो 10,000 शेयर हो गए ना, 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच। बेटा एक बात याद रखना, जो शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट का, वो आपको ना एक बात कहता है कि 10,000 में से, 10,000 में से कितने शेयर्स आपने फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू करे हैं, वो आपको बेटा अलग से बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या, नोट्स टू अकाउंट्स में आपको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितने शेयर्स आपने फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू करे हैं। और बेटा आपने 10,000 में से 2,000 शेयर बेटा इशू करे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच, ये आपको बेटा अलग से सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बाकी बेटा कॉल्स इन एरियर्स हैं, बाद में देखते हैं अभी। फिर देखो अगली एडजस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 52,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स। अच्छा बेटा देखना, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने थे, 2 लाख। बेटा पता है शेड्यूल 3 का फॉर्मेट आपको फिर से एक बात कहता है, ट्रेड रिसीवेबल्स विच आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स, मतलब जिनका पैसा आए हुए 6 महीने से ज्यादा निकल चुके हैं बेटा, वो भी आपको बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में सेपरेटली डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। तो 2 लाख में से मोर देन 6 मंथ्स वाले कितने हैं बेटे, 52,000, इनको पैसा आए हुए 6 महीने से ज्यादा हो गया है बेटा, और जो लेस देन इक्वल टू 6 मंथ्स वाले हैं वो कितने हो गए, 1,48,000। ठीक है, तो ये बाइफरकेशन आपको बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। बाकी बेटा द कॉस्ट ऑफ असेट्स, बिल्डिंग की कॉस्ट है बच्चे 4 लाख, बिल्डिंग की कॉस्ट है आपकी 4 लाख। बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है, कितनी है बेटा बिल्डिंग की कॉस्ट, 4 लाख। सुनना बेटा, बिल्डिंग देखना कितने की अपेयर कर रही है, 3.5 लाख की। तो बेटा मुझे एक बात क्लियर होती है, कॉस्ट है बिल्डिंग की 4 लाख और WDV है 3.5 लाख। याद रखना ये 3.5 लाख क्या होगी बेटा, बिल्डिंग की WDV होगी। ठीक है, तो इसका मतलब बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन लगाया गया है बच्चे, 50,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन आपको बिल्डिंग पे लगाया गया है। प्लांट और मशीनरी की कॉस्ट 7 लाख, WDV क्या थी प्लांट और मशीनरी की, देखो 5,25,000 रुपये। तो इसका मतलब प्लांट और मशीनरी पे 1,75,000 का डेप्रिसिएशन लगाए, और फर्नीचर की कॉस्ट है 62,500, WDV थी फर्नीचर की 50,000, तो इस पे बेटा 12,500 रुपए का क्या लगा है डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चे, अच्छा और
द बैलेंस ऑफ 1,50,000 इन द लोन अकाउंट विद स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ 7,500 फॉर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू. द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. अब सुनना बेटा, बेटा ये जो लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है ना, पहली बात तो उसने कहा इट इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब ये एक बेटे सिक्योर्ड लोन है. और दूसरी बात बेटा पता है उसने क्या कहा, ये जो 1,50,000 है ना, इसमें से इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट पेड, मतलब इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 7,500 का है. तो बाकी बेटा प्रिंसिपल हो गया ना, 1,50,000 में से 7,500 का इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल 142,500 का प्रिंसिपल हो गया. अब सुनना मेरी बात जो मैं कहूँगा बेटा, ये जो प्रिंसिपल है ना बेटा, ये तो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी हेड में. प्रिंसिपल तो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी हेड में, लेकिन जो इंटरेस्ट है बेटा वो नॉन करंट लायबिलिटी हेड का पार्ट नहीं है, वो करंट लायबिलिटी हेड का पार्ट है. तो इंटरेस्ट जाएगा करंट लायबिलिटी हेड में और जो प्रिंसिपल है वो नॉन करंट लायबिलिटी हेड में. फिर बैलेंस एट बैंक इंक्लूड्स 2,000 विद परफेक्ट बैंक लिमिटेड विच इज नॉट अ शेड्यूल बैंक. फिर से बेटा एक बात है जो शेड्यूल 3 कहता है कि जो बैलेंस एट बैंक है ना, इसमें से कितना पैसा आपने शेड्यूल्ड बैंक में जमा करवा रखा है वो बताना पड़ेगा, और कितना पैसा आपने अदर बैंक्स में जमा करवा रखा है वो बताना पड़ेगा. तो मुझे बताओ, 2,000 रुपए आपने जमा करवाया है परफेक्ट बैंक लिमिटेड के पास विच इज नॉट अ शेड्यूल्ड बैंक, मतलब अदर बैंक्स में जमा करवाया है 2,000, तो बचा 2,45,000, वो जमा करवाया होगा शेड्यूल्ड बैंक के पास. ठीक है बच्चे. फिर कंपनी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी एट 1,50,000 विच इज स्टिल इनकम्प्लीट. बेटा कंपनी ने ना किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था मशीनरी इरेक्ट करने का, इंस्टॉल करने का, लेकिन वो काम बेटा अभी तक हुआ नहीं है. और काम हुआ नहीं है तो बेटा उसका कोई भी ट्रीटमेंट आपको बैलेंस शीट में शो करने की जरूरत नहीं है. ठीक है बच्चे. तो बेटा खास क्वेश्चन नहीं है उतना ज्यादा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बेटा आ जाता है, 8-10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. तो सिर्फ क्या बनानी है, बैलेंस शीट. आओ मेरे साथ साथ. एट्थ बेटा हेडिंग लिखना, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2011, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2011. कितने कॉलम्स बनाते हो बेटे, 3 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट. बेटा पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इक्विटी एंड लायबिलिटीज में बेटे फर्स्ट हेड आता है शेयर होल्डर्स फंड्स. और बच्चे शेयर होल्डर्स फंड्स में फर्स्ट आएगा आपका शेयर कैपिटल. बेटा बैलेंस शीट के लिए थोड़ी स्पेस छोड़ देना और वर्किंग नोट बनाना, नोट्स टू अकाउंट्स. नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल. बेटा खास कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से चलना है बेटा. शेयर कैपिटल हेडिंग लिखो बच्चे, कौन सी शेयर कैपिटल है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है, कितने शेयर्स हैं बेटे, 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹100 ईच. और बेटा एक बात और जो मैंने आपको बताई थी, मेरे को बताओ पहले 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच कितना हुआ बेटा, 10,00,000. बेटा एक बात आपको अलग से डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, 10,000 में से कितने शेयर्स इशू हुए हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. तो आप यहां पर लिखोगे
ऑफ द अबव 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये डिस्क्लोजर बेटा अलग से आपको देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कितने शेयर्स आपने फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इश्यू करे हैं। ठीक है बेटा, एक बार बताओगे इक्विटी शेयर कैपिटल के नीचे कॉल्स इन एरियर्स दे रखा, तो और याद हो अगर आपको बेटा तो कॉल्स इन एरियर्स कॉल्ड अप कैपिटल में से माइनस होता है बेटा, कितने का है 1000 का, क्योंकि ये पैसा बुलवाया तो है शेयर होल्डर्स से, लेकिन शेयर होल्डर्स ने ये पैसा दिया नहीं। तो बताओगे कितना पैसा बुलवाया गया था बेटा, 10 लाख, जिसमें से 1000 रुपए नहीं आया, तो कितना पैसा आ गया बेटे 9,99,000 आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा आपका नोट नंबर वन 9,99,000। कॉपी करो बेटे, फिर सेकंड हेड हमारे पास आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस का हेड, इसका बनाओगे बच्चे आप नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, हेडिंग लिखो बच्चे रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है चलो। अब बताओ बेटा ट्रायल बैलेंस को देख के कौन कौन सा रिजर्व और सरप्लस आपको बेटे नजर आता है। मुझे एक तो बच्चे नजर आ रहा है जनरल रिजर्व 2,10,000, और बेटा मुझे नजर आ रहा है पीएल 86,700। तो बस रिजर्व एंड सरप्लस 296,700 आ गया बेटा। ठीक है, और बेटा एक बात याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, मतलब वो ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना चुके हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी पीएल बन चुका है, और ये जो पीएल का बैलेंस है ना ये क्लोजिंग बैलेंस ही है, हम ये मान के चलेंगे बेटे। हाँ अगर पीएल बनाना होता तो हम इसे ओपनिंग बैलेंस मानते, करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड करते, फिर क्लोजिंग आता। अब क्योंकि पीएल नहीं बनाना है तो हम मान के चलेंगे दे हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो ये जो पीएल है ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा 296,700। बेटा पहले बताओ समझ आया सबको पक्का, चलो अब बताओ बच्चे मेरे को सेकंड हेड कौन सा आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज का हेड, और नॉन करंट लायबिलिटी हेड में सबसे पहली लायबिलिटी आती है बेटा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ठीक है नोट नंबर 3, और बेटा नोट नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन में बोरोविंग्स कौन कौन सी हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कौन कौन सी हैं। तो बेटा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स अगर हम देखें ना तो स्टार्टिंग से देखना, लोन फ्रॉम एसएफसी दे रखा है स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो लोन फ्रॉम, दो मिनट बेटा पहले ना बेटा सिक्योर्ड लोन लिखना, ये सिक्योर्ड लोन है, पहले लिखो सिक्योर्ड लोन के नीचे लिखना लोन फ्रॉम
स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। कितने का लोन था बेटा? 1.5 लाख का, लेकिन 1.5 लाख में से 7,500 का तो इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट नॉन करंट लाइबिलिटीज में नहीं आएगा, वो करंट लाइबिलिटीज में आएगा, तो बचा 142,500। अब क्योंकि ये सिक्योर्ड है तो इसके नीचे आप एक नोट लिखोगे, सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये आ गया बेटा सिक्योर्ड लोन। अच्छा, और देखो कौन सा लोन नजर आता है कोई? बेटा अनसिक्योर्ड लोन भी दे रखा है, नीचे देखना, अनसिक्योर्ड लोन भी दे रखा है। कितने का? 1,21,000 रुपए का। इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टोटल कर दो बेटा 263,500। लो ये आपके बच्चे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गई 263,500। ठीक है बच्चे। फिर थर्ड हेड आएगा हमारे पास करंट लाइबिलिटीज का हेड। ध्यान से चलना है बेटा। बेटा करंट लाइबिलिटी के हेड में सबसे पहले आते हैं ट्रेड पेबल्स। खैर बेटा इसका तो आपको खास कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बेटे ट्रेड पेबल्स आपको दे रखे थे सबसे लास्ट लाइन में 2 लाख रुपीस के। ठीक है, फिर बेटा अगला आएगा अदर करंट लायबिलिटीज। नोट बना लेना, नोट नंबर 4। अदर करंट लायबिलिटी। अब बच्चे अगर अदर करंट लायबिलिटी में देखे ना तो कौन कौन सा आएगा बेटा? लायबिलिटीज देखना बेटा, याद रखना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बेटा अदर करंट लायबिलिटीज में नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपका इसका अगला हेड आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस उसमें आएगा। डिविडेंड पेबल, डिविडेंड आउटस्टैंडिंग आ जाएगा 60,000 का, और बेटा इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड था ना टू लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन 7,500 रुपए का, तो अदर करंट लायबिलिटी का टोटल 67,500। और फिर बचे थर्ड आएगा कौन सा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। नोट नंबर 5, इसमें आएगा बेटा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। फिफ्थ, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इसमें आएगा बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स। कितने का प्रोविजन फॉर टैक्स है बच्चे? 68,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स, 68। तो टोटल आ गया इस हेड का 68। ठीक है बच्चे, टोटल कर दो बस 9,99,000 प्लस 296,700 प्लस 263,500 प्लस 2 लाख प्लस 67,500 प्लस 68,000 18,94,700। ये आपकी लायबिलिटी साइड हो गई हमारी 18,94,700। ठीक है, करें बेटा असेट साइड। चलो आ जाओ असेट्स में। बेटा असेट्स में सबसे पहला हेड बेटा हमारा कौन सा आता है? नॉन करंट असेट्स। ठीक है, अच्छा नॉन करंट असेट्स में फर्स्ट हेड आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फर्स्ट हेड आता है टेंजेबल असेट्स, नोट नंबर 6। चलो नोट नंबर 6 पे आ जाओ, टेंजेबल असेट। बेटा ये ध्यान से जरा देखना है, एक काम करना, ट्रायल बैलेंस के स्टार्टिंग से शुरू करना बेटा। ट्रायल बैलेंस के स्टार्टिंग से सबसे पहले लैंड था 2 लाख का, आउटर कॉलम में लिखना 2 लाख। फिर बिल्डिंग, बेटा बिल्डिंग इनर कॉलम में लिखना, कॉस्ट बताना बिल्डिंग की क्या थी, 4 लाख। बताओगे उस पर कितना डेप लग चुका है, मैंने लिखवाया था ना आपको कितना डेप लग चुका है, 50,000 का डेप लग चुका है, तो इसकी डब्ल्यू डी वी तभी कितनी बची है, 3.5 लाख। फिर प्लांट एंड मशीनरी, इसकी कॉस्ट है 7 लाख, कितना डेप लग चुका है, 1,75,000 का डेप लग चुका है, तो इसकी डब्ल्यू डी वी बच गई 5,25,000। और फर्नीचर, 50,000 का फर्नीचर है, 62,500 का डब्ल्यू डी वी बची है 50,000, तो डेप लग चुका है 12,500 रुपये का डेप लग चुका है, तो तभी डब्ल्यू डी वी बची कितनी, 50,000। ठीक है बेटा, बस हो गए टेंजेबल असेट्स, हो गए बेटा, टोटल कर लो 11,25,000 रुपये के टेंजेबल असेट्स, 11,25,000 के टेंजेबल असेट्स। अच्छा, इसके अलावा बेटा इनटेंजेबल आते थे, नहीं है बेटा इनटेंजेबल। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आती थी, नहीं है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो सीधे सेकंड हेड पे आ जाओ, करंट असेट्स। बेटा करंट असेट्स में सबसे पहले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आती थी, नहीं दे रखी हैं। फिर आते हैं इन्वेंट्रीज, बेटा वर्किंग नोट बनाना इसका, वर्किंग नोट नंबर 7। इन्वेंट्रीज, बेटा अगर आप ट्रायल बैलेंस देखोगे ना तो 2 इन्वेंट्रीज नजर आती है मेरे को, कौन सी, एक तो है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स 2 लाख, और एक है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 50,000। तो बेटा 2.5 लाख रुपए आता है इन्वेंट्री, 2,50,000। इन्वेंट्रीज 2,50,000। इन्वेंट्रीज के बाद आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, वर्किंग नोट बनाना, वर्किंग नोट नंबर 8। ट्रेड रिसीवेबल्स, बेटा अब ध्यान से जरा थोड़ा देखना है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल्स ना आपके, बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स आपके 2 लाख के थे, जिसमें से बेटे 52,000 थे ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो बेटा सेपरेटली डिस्क्लोज करना, आप लिखोगे डेट्स ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स, कितने के, 52,000, और लिखना अदर डेट्स, अदर डेट्स मतलब विच आर ड्यू फॉर लेस देन 6 मंथ्स, अदर डेट्स कितने बचे फिर, 148। तो टोटल वही आ जाएगा 2 लाख। तो ट्रेड रिसीवेबल्स का टोटल 2 लाख। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वर्किंग नोट नंबर 9, वर्किंग नोट नंबर 9, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बेटा इसमें ना आपके पास
कैश बैलेंस था 30,000, कैश बैलेंस था 30,000 और बेटा बैंक का बैलेंस था 247। लेकिन बेटा उसे आप दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे, क्या लिखोगे, ड्यू विद, बैलेंस विद शेड्यूल्ड बैंक, आप लिखोगे बैलेंस विद शेड्यूल्ड बैंक। बेटा कितना बैलेंस था 247 में से शेड्यूल्ड बैंक के पास कितने का बैलेंस था, बेटा लिखवाया था मैंने आपको 245 का, और बैलेंस विद अदर बैंक्स कितना 2000 का। तो टोटल कर लो इसका, 30,000 कैश, 245 विद शेड्यूल्ड बैंक, 2000 विद अदर बैंक, 277 का बैलेंस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 277। और बेटा लास्ट आता था इसमें शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नोट नंबर, बेटा मेरे ख्याल से नोट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एडवांसेस ना सीधे सीधे बेटे आपको दे रखे थे, पढ़ना एडवांसेस कितने दे रखे हैं बेटा, 42,700 के एडवांसेस दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस में। बस टोटल कर लो, 42,700, 277, 2 लाख, 250, 1125, 1894,700। लो बेटा ये आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, 1894,700। तो सिंपल था बेटा, खास कुछ नहीं था उसमें। क्लियर हो गया बेटे, कॉपी कर लो इसे। क्लियर हुआ बेटा सबको? चलो बेटा अब जो आपके क्वेश्चंस हैं ना, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व वाले जो हैं, इनमें बेटा बस एक क्वेश्चन हमें और करना है, थोड़ा सा बेटा डिफरेंस है वो। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2012, XYZ Limited proposes to declare 10% dividend out of general reserve from the following particulars, ascertain the amount that can be utilized from general reserve according to company's declaration of dividend out of reserve rules 2014। आपके पास preference shares हैं, equity shares हैं, general reserve है, capital reserve है, रीवैल्यूएशन रिजर्व है और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2012 है, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स हैज़ बीन 12%। मैं आपको बेटा समझाता हूँ, जरा क्वेश्चन समझते हैं पहले फिर सॉल्व करेंगे बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। आओ बेटा मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 4। चलो बेटा मुझे पहले ये बताओ, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के बेटा कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, 10%। ये कौन सा डिविडेंड होगा बेटा, इक्विटी डिविडेंड। लेकिन आपको पता है बेटा इक्विटी डिविडेंड देने से पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है, तो सबसे पहले तो बेटा कौन सा डिविडेंड आता है, प्रेफरेंस डिविडेंड आता है ना बेटा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको 17,50,000 रुपये की दे रखी है, उस पर रेट ऑफ डिविडेंड बचे 9% है, तो 17,50,000 पे 9%, 157,500 का डिविडेंड आता है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्लस कंपनी इक्विटी डिविडेंड देना चाहती है 10% का, बेटा 10% किसका होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का, 80 लाख का, 80 लाख का 10%, यानी 8 लाख रुपीस का इक्विटी डिविडेंड। इसका मतलब बचे कंपनी टोटल डिविडेंड जो देना चाहती है दैट इज 957,500।
ये कंपनी टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। कंपनी जो टोटल डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में बांटना चाहती है दैट इज 957,500। बात समझ आई बेटा? चलो अब बात करते हैं बेटे कंपनी ने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012। तो सुनो, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012, बेटा कितना नेट प्रॉफिट कमाया? 3 लाख। मेरे को एक बार बताओ बेटा, 3 लाख के नेट प्रॉफिट में से कंपनी डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है बेटा? 957,500 का डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। तो बेटा 3 लाख में से 957,500 तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते ना बेटा। कितना शॉर्ट पड़ रहा है मुझे, 657,500 इतना पैसा बेटा मुझे शॉर्ट पड़ रहा है, पक्का? और बेटा सुनो, क्वेश्चन की थर्ड लाइन पढ़ना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द अमाउंट दैट कैन बी यूटिलाइज फ्रॉम जनरल रिजर्व। तो बेटा कंपनी अब क्या चाहती है कि कंपनी 657,500 कहां से यूटिलाइज करे? जनरल रिजर्व से। अमाउंट टू बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व। तो बेटा याद रखना, 3 लाख रुपए के तो प्रॉफिट्स मेरे पास हैं, 657,500 हम लेंगे जनरल रिजर्व में से, हो जाएगा 957,500, और उसमें से हम 957,500 का क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? डिविडेंड। लेकिन बेटा देखने वाली बात यह है, क्या सुनो क्या इतना अमाउंट कंपनी जनरल रिजर्व में से यूटिलाइज कर सकती है या नहीं, यह बेटा हमें देखना है। तो बेटा एक बात याद रखना, कुछ ना रूल्स हैं, रूल्स का नाम है बेटा कंपनीज, लिखना बेटा कंपनीज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स, कंपनीज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व रूल्स। ये बेटा कुछ रूल्स हैं, कंपनीज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व रूल्स। बेटा ये कहता है, सुनो ये कहता है कि आप जनरल रिजर्व को डिविडेंड के लिए यूटिलाइज तब तक नहीं कर सकते जब तक 3 शर्तें क्या ना हो जाएं? सेटिस्फाई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये रूल कहता है आपको कि आप जनरल रिजर्व में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट तब तक नहीं कर सकते जब तक 3 शर्तें क्या ना हो जाएं? सेटिस्फाई। क्या है बेटा वो 3 शर्तें? वो हमें बेटा देखनी है। तो पहली शर्त है रेट ऑफ डिविडेंड, और मैं इक्विटी डिविडेंड की बात कर रहा हूं बेटा, रेट ऑफ इक्विटी डिविडेंड लिखना, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ इक्विटी डिविडेंड फॉर पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। तो बेटा याद रखना, पहली शर्त क्या है, कंपनी जितना डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है ना, इक्विटी डिविडेंड कितना डिक्लेयर करना चाहती है बेटा इस साल? 10%। याद रखना वो 10% का रेट ना पिछले 3 साल के एवरेज रेट्स ऑफ डिविडेंड को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो बेटा कंपनी कितना डिक्लेयर करना चाहती है? 10%। ये 10% का रेट पिछले 3 साल के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड को एक्सीड नहीं करना चाहिए। और सबसे लास्ट लाइन में अगर पढ़ोगे ना तो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड पिछले 3 साल का 12% था। तो उन्होंने कहा था एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो बेटा एक्सीड तो नहीं कर रहा है ना,
कमी है उससे, तो कंडीशन वन सेटिस्फाइड, कंडीशन वन सेटिस्फाइड। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई। लिखो बेटा आपकी कंडीशन वन क्या हो गई, सेटिस्फाई। ठीक है चलो, अब आते हैं बेटा कंडीशन टू पे, पहले कॉपी कर लो इसे। अच्छा अब सुनो बेटा, अब उन्होंने एक बात और कही, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व इज 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। मतलब याद रखना, मैक्सिमम अमाउंट जो आप जनरल रिजर्व में से यूटिलाइज कर सकते हो वो कितना होना चाहिए बेटा, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स के 10% को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो जरा सॉल्व करें बेटा, 10% ऑफ बेटा पेड अप कैपिटल कितनी है, दो है कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल है 17,50,000 और इक्विटी कैपिटल है 80,00,000 प्लस। बेटा फ्री रिजर्व कौन कौन से हैं, जनरल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व। बेटा पीएल को कंसीडर मत करना क्योंकि पीएल तो इस साल का है, और ये जो आप देख रहे हो ये एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना है। तो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स आपको देखने हैं एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके हिसाब से, जबकि नेट प्रॉफिट जो था वो इस साल का है, प्लस जनरल रिजर्व 25,00,000। तो बेटा अगर हम सॉल्व करें तो ये आता है 17,50,000 प्लस 80,00,000 प्लस 25,00,000, इसका 10%, ये आता है बेटा 12,25,000। इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो बताओ कि बेटा मैक्सिमम कितना अमाउंट हम यूटिलाइज कर सकते हैं, 12,25,000 हम यूटिलाइज कर सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप जनरल रिजर्व में से। लो बेटा कॉपी करो, ये आपकी कंडीशन नंबर टू। ठीक है बेटा, अब मुझे एक बात और बताओ, क्या कंडीशन टू सेटिस्फाई हुई या नहीं। बेटा हम कितना यूटिलाइज करना चाहते हैं जनरल रिजर्व में से, 657,500। रूल कहता है मैक्सिमम आप 12,25,000 कर सकते हो, तो मैं तो बेटा 657,500 ही करना चाहता हूं ना, तो कंडीशन नंबर टू भी क्या हो गई, सेटिस्फाई। कंडीशन नंबर टू इज सेटिस्फाइड, तो मैं तो सिर्फ 657,500 करना चाहता हूं। ठीक है, ये आपकी सेकंड शर्त आ गई बेटा, कॉपी करो इसे। ठीक है, अब बेटा तीसरी शर्त है बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व आफ्टर यूटिलाइजेशन। ठीक है, शुड बी मोर देन इक्वल टू 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। तो बेटा उन्होंने कहा जनरल रिजर्व का बैलेंस आफ्टर यूटिलाइजेशन फॉर डिविडेंड 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब आपको रिजर्व में
15% ऑफ पेड अप कैपिटल का बैलेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा। जरा निकालें बेटा, मुझे बताओ बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व आफ्टर यूटिलाइजेशन बेटा कितना आ रहा है? सुनो सुनो, कितना का जनरल रिजर्व था बेटा? 25 लाख का। उसमें से बताओगे बेटा मैं कितना यूटिलाइज कर रहा हूं, कितना कर सकता हूं वो नहीं पूछ रहा हूं, कितना कर रहा हूं? 657,500। तो बेटा जनरल रिजर्व का बैलेंस आफ्टर यूटिलाइजेशन हो गया 25 लाख माइनस 657,500, 1842,500। ये जनरल रिजर्व का बैलेंस हो गया आफ्टर यूटिलाइजेशन, एंड दिस मस्ट नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। और बेटा पेड अप कैपिटल का है, सिर्फ पेड अप कैपिटल है 17,50,000 प्लस 80 लाख, 97,50,000। तो 1842,500 मस्ट नॉट फॉल बिलो, 97,50,000 का 15%, 1462,500। तुम्हें को एक बार बताओ बेटा, रूल्स कहते हैं आपका जनरल रिजर्व का बैलेंस आफ्टर यूटिलाइजेशन इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए बेटा। तो इससे नीचे तो है भी नहीं बेटा, मेरा तो बैलेंस 1842,500 बच रहा है आफ्टर यूटिलाइजेशन, और वो कहता है मिनिमम 1462,500 तो होना ही चाहिए। तो बेटा कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई भाई? 1462,500 से नीचे नहीं जाना चाहिए ना, तो मेरा तो उससे ऊपर है। कंडीशन 3 इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। बताओ बेटा बात समझ आई सबको? पक्का तीनों शर्तें सेटिस्फाई हुई, इसका मतलब देयरफॉर कंपनी कैन यूटिलाइज, देयरफॉर कंपनी कैन यूटिलाइज रुपीज 657,500 आउट ऑफ जनरल रिजर्व फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो इसलिए कंपनी बेटा 657,500 यूटिलाइज कर सकती है आउट ऑफ जनरल रिजर्व फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। लो बेटा ये तीन शर्तें हैं बच्चे जो आपकी कंपनीज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व रूल्स कहते हैं। तो याद रखना बेटा, अगर आप डिविडेंड जनरल रिजर्व में से डिक्लेयर करना चाहते हो तो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी है, ठीक है बेटा? तो बच्चे जितने भी सॉल्व क्वेश्चंस थे ना, क्वेश्चन आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में, वो मैंने सारे कर लिए बेटा डिस्कस। अच्छा इलस्ट्रेशन 4 से पहले जो तीन इलस्ट्रेशन है ना बेटा, वो तो हम खैर पहले ही कर चुके हैं। मैनेजीरियल रेमुनरेशन का केस है, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटे। कल हम एक काम करेंगे, कल हम कुछ क्वेश्चंस आपके पीछे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के भी देख लेंगे, और कल बेटा आपका अकाउंट्स का कोर्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चे? चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, टिल देन थैंक यू।